आइए अब शुरुआत करते हैं एसपीएल मिडकैप स्टॉक्स की और बिगुल बजाते हैं, स्वागत करते हैं हमारे दो खास मेहमानों का। आज है विकास सेठी साहब और राजेश पालविया जी। स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत कीजिए राजेश जी अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ, बताइए कौन सा स्टॉक है मिडकैप एक्सप्रेस में जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी आज लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक खरीदना है वो केएससीएल कावेरी सीड्स। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और जिस तरीके से डेली और वीकली चार्ट पे ये ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का, एक रैली के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद वापस से फ्रेश बाइंग एक्शन इसमें बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है केएससीएल को यहाँ से करंट लेवल से बाय करना चाहिए, थोड़ा सा बाय एंड एक्युमुलेट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। 653 के आसपास ट्रेड करा, 653 से 635 ये रेंज में बाय करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। 620 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लग रहा है इसमें जो टारगेट आना चाहिए पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से वो आना चाहिए 730 से 750 के आसपास। तो केएससीएल कावेरी सीड्स रहेगा बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म पिक में। ओके कावेरी सीड्स यहाँ पर करें खरीदारी, 635 से 653 की रेंज में खरीदना रहेगा ठीक। 620 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 730 और 750 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी रहा है। सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरी भी जो आज की लॉन्ग टर्म पिक है वो एक सेम सेक्टर से है जो अभी राजेश जी ने रेकमेंड करा है। एग्री थीम पे फोकस है और कल प्रधानमंत्री जी ने भी एक नया अनाउंसमेंट किया 1,00,000 करोड़ का, तो उससे मुझे लगता है पूरी एग्री थीम फोकस में रहनी चाहिए और वैसे भी इस पे बुरी से इस पूरे सेक्टर पे। तो यहां से मैंने एक जबरदस्त फर्टिलाइजर कंपनी जीएनएफसी को पिक किया है। फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है, टीडीआई बनाने वाली भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अराउंड 50% से ज्यादा का इसका मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस सेगमेंट में। और देखिए मानसून अच्छा हुआ है, फिर रूरल इकोनॉमी में लॉकडाउन के बाद भी एक अच्छा अपटिक देखने को मिला है। फिर इस कंपनी ने नीम बेस्ड एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं जिसपे भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आता है। एक बहुत ही शानदार बैलेंस शीट, जीरो डेट, हाई रिटर्न रेशियोज और मुझे लगता है करंट वैल्यूएशंस पे बहुत ही सस्ता ये स्टॉक है। करीबन 5 रुपए के आसपास डिविडेंड है जो कि डिविडेंड यील्ड अराउंड 3% की होती है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आने वाले 9 से 12 महीने में हम 225 के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। ओके और सेठी साहब टारगेट क्या था जीएनएफसी के लिए? 225 का टारगेट। तो आपके लिए दो लॉन्ग टर्म पिक्स हैं, दोनों एग्री स्पेस से कावेरी सीड और जीएनएफसी पालवे और सेठी साहब की तरफ से। आइए अब एक बिगुल बजाते हैं शुभम जी के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताएं सर। दीपांशु जी कुछ कुछ फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव आ रहा है, डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा दोनों में ही अच्छा मूव है। तो सन फार्मा में एक मेरा यहाँ पे बाई ट्रेड होगा और फार्मा एज अ सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो सन फार्मा का 550 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 13.30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 10 रुपए पे और 18 रुपए और 20 रुपए ये दो टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो सन फार्मा में अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जहां से आज एक फिर से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और सेक्टर का व्यू भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड हम लॉन्ग साइड पे बिल कर सकते हैं। बिल्कुल खरीदारी 550 रुपए वाला खरीदना है, 13.30 रुपए के आसपास लीजिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 18 और 20 के टारगेट के लिए। आइए कुछ ही देर में हम आपके सामने रखेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले की सुनवाई है उसमें क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार पोजिशनल पिक लॉन्ग टर्म पिक हम ले चुके हैं, पोजिशनल पिक ले लेते हैं एसपीएल मिड कैप्स में राजेश जी की तरफ से। राजेश जी बताइए आपका पोजिशनल स्टॉक। तो अनिल जी पोजिशनल पिक जो रहेगा इस सेगमेंट में वो रहेगा स्टार शाशु। अगर हम देखें ये स्टॉक में जिस तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में पिछले दिनों में देखें तो काफी अच्छा एक्युमुलेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला स्टॉक में और स्टॉक अपने लोअर लेवल पे एक बेस बना के जिस तरीके से रिकवरी दी है और जिस तरीके से फॉर्मेशन बना है हमें लग रहा है यहां से स्टार को बाय करके चलना चाहिए। इसमें 620 से 640 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। हालांकि स्टॉक अभी पिछले 10-15 मिनट में थोड़ा सा
एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी दिखा चुका है, बट फिर भी यहाँ पे भी इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो 640-45 के आसपास भी मिलता है तो इसको बाय करें, सॉरी 540-545 के आसपास मिलता है तो बाय करें। 520 का स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, 620 से 640 तक के टारगेट हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे इसको अगर होल्ड रखें तो इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है और जो ब्रेकआउट हुआ ये दिखाता है कि बहुत जल्द इसमें टारगेट आते हुए दिखना चाहिए 640 तक के। 640 तक के टारगेट्स के लिए मिड टर्म पोजिशनल पिक है आपके लिए स्ट्राइड्स फार्मा पालव्या साहब की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, बड़ा दिन है आज जहां तक टेलीकॉम कंपनीज का सवाल है, स्पेशली वोडाफोन आइडिया और साथ ही बैंक्स पर भी इसका असर आते हुए दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले की सुनवाई है, कुशल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल बताइए मामला क्या है यहां पर और सुनवाई का अगर रिजल्ट आता है तो कहां पर फोकस करना चाहिए मार्केट्स को? बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए अब जो है एक फाइनल हियरिंग एक्सपेक्टेड है आज के दिन में 2 बजे ये हियरिंग होने वाली है एजीआर मामले पर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 जुलाई को ये हियरिंग हुई थी जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था कि एक्सटेंडेड टाइमलाइन जो है टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी या नहीं। और यहां पर अब जो अटकलें लगाई जा रही है कि 15 से 20 साल का समय जो है टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए दिया जा सकता है। जहां तक पेमेंट की बात है वहां पर भारतीय एयरटेल ने करीब 41% एजीआर बकाए का भुगतान किया है, साथ ही वोडाफोन आइडिया ने भी लेटेस्ट जो पेमेंट किया 18 जुलाई को करीब 1000 करोड़ रुपए का, उसके बाद करीब 13.5% जो है उन्होंने अपने कुल बकाया का पेमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्टैगर्ड पेमेंट जो है मिलता है टेलीकॉम कंपनियों को तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही जो भी होल्डिंग कंपनियां हैं जैसे ग्रासिम, उनको भी काफी फायदा इस चीज से पहुंचता हुआ नजर आएगा। बट बहरहाल इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो बैंकों का टेलीकॉम सेक्टर पर एक्सपोजर है वो काफी सिग्निफिकेंट है और उनके लिए काफी बड़ी राहत की बात होगी अगर ये समय का जो समय सीमा जो है ये मिल जाती है एजीआर भुगतान करने के लिए। जिसमें अगर आप देखें तो खासकर वोडाफोन आइडिया को लेकर जितने भी बैंक्स हैं जिनका एक बड़ा एक्सपोजर है पर एज ए परसेंटेज ऑफ लोन बुक, उनके लिए काफी बड़ी राहत होगी। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक जिसका परसेंटेज ऑफ लोन बुक का 3% हिस्सा जो है वोडाफोन आइडिया को दिया हुआ है। और साथ ही अगर दूसरे बैंकों की भी बात करें तो वहां पर जो फोकस में रहेंगे उसमें इंडसइंड बैंक और यस बैंक भी शामिल है, इनके भी करीब 1.5 से 2% जो है एज ए परसेंटेज ऑफ लोन बुक वोडाफोन आइडिया का इनका एक्सपोजर है। तो वहां पर आपको फोकस रखना होगा आज के लिए। यह एजीआर मामले पर आज सुनवाई, अहम सुनवाई है। आइए बैक टू बैक आपके लिए बिगुल हैं और पहले वागले साहब, उसके बाद जय ठक्कर और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी। वागले साहब के लिए बिगुल है इस वक्त वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, यूपीएल में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, स्विंग हाई का ब्रेकआउट आया है, 488-489 के बीच में ये प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। अभी क्या भी बाय करें, 488-489 से लेकर 486 तक बाय करें, मेरा स्टॉप लॉस 483 का होगा और मुझे लगता है ये 505 तक जाने के लिए तैयार है ऊपर में आज और कल में। ओके, 505 की टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कर रहे हैं यूपीएल में 483 के स्टॉप लॉस के साथ, 486-489 486-489 इस रेंज में कर सकते हैं आप खरीदारी। जय का जैकपॉट, आइए देख लेते हैं जय का स्टॉक और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी के पास चलेंगे। बताएं जय। अनिल जी, खरीद कर चलना है SML ISU जो मैं कहूंगा कि 410 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये SML में एक बहुत ही बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला है और ये स्टॉक में एग्जैक्टली उसके राइट शोल्डर से रिवर्सल दिखाया है मैं कहूंगा अनिल जी, तो इसको खरीद कर चले। इसका जो पहला टारगेट ऊपर में बनता है वो 440 का है और दूसरा टारगेट बनता है लगभग 460, ये दो टारगेट्स के लिए 410 पे SML को खरीदना है। नीचे में हमें स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी 398 पर। ओके, 398 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी का एक मिनट। स्टॉक कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL बता रहे हैं आप? SML SML ISU ये बता रहे हैं। ओके, ओ क्या हो गया इसको, आज 5% बढ़ा एकदम से। कुणाल जी, 5% बढ़ा SML, कुछ डेवलपमेंट कुछ ऐसा सुनने में आया है किस वजह से स्टॉक में अचानक से आज बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है?
अनिल जी ऐसा कुछ खास सुनने में तो नहीं आया, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है और एक बेस बन चुका है, तो जय साहब के साथ पूरी तरह मैं हूं मुझे लगता है, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। परफेक्ट, तो और तेजी की संभावना पूरी पूरी है। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, अब अगला स्टॉक है विकास सेठी साहब का और उसके बाद हम सुमित जी से लेंगे उनका सुपर हिट भी। विकास जी बताएं सर आपका अब पोजिशनल स्टॉक कौन सा है जहां पर खरीदारी करने की राय है? बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल व्यू के लिहाज से मैंने आज पिक किया है एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जो कि स्मार्ट ऑफिसेज स्मार्ट होम्स के लिए बिल्कुल इनके प्रोडक्ट्स की आजकल बहुत जरूरत पड़ रही है। कंपनी का नाम है डीले। स्टॉक का प्राइस अराउंड 95 का है करंट लेवल्स पे, और इसका मेरा टारगेट रहेगा पोजिशनली 115 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 87 रुपीज का। ये राउटर्स स्विचेस नेटवर्क सिक्योरिटी के कारोबार में है कंपनी, और जिस तरह का आज दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद जो एक चलन हुआ है घर से काम करने का, उसमें भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अराउंड 10 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का, जीरो डेट कंपनी है, और पिछले 3-4 साल में प्रॉफिट्स में हर साल 25% की सीएजीआर से ग्रोथ दर्ज करी है। डीआईआई अराउंड 4.31% इसमें स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए और ये 115 के टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव होने चाहिए। बिल्कुल, राउटर्स बनाने में नंबर वन कंपनी है देश में, और मेरे ख्याल से डीमर्ज भी होगा, काफी कुछ कैश भी इस कंपनी में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ा है, तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। बढ़िया बात यह है कि सेठी साहब आपको फंडामेंटली मजबूत कंपनी भी देते हैं और साथ ही पोजिशनल पिक के तौर पर भी, तो दोनों ही तरीके से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर आप खरीद कर चल सकते हैं 115 रुपए के टारगेट के लिए, यह है राय सेठी साहब की तरफ से। आइए अब एक बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए और उसके बाद सुमित जी के लिए रहेगा बिगुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, बिगुल चार कॉर्नर का जरूर है, बट आपके जन्मदिन पर आपने मेरे को और कुणाल जी को फ्री हैंड दिया था कि हम कभी भी आपका जन्मदिन मना सकते हैं, तो ये जो पिक है अनिल जी ये समझ लीजिए आपका साप्ताहिक या मासिक जन्मदिन के अवसर पर व्यूअर्स को गिफ्ट है। स्टॉक है टाटा पावर, काफी बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है, नीचे में एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, और सब जानते हैं कि बड़े राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन से आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न, तो काफी सालों से पैटर्न मेरा साथ दे रहा है और मैं पैटर्न का साथ दे रहा हूं। टाटा पावर को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है, लगभग सवा महीने का कंसोलिडेशन इस चार्ट पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। जुलाई से स्टॉक 51 रुपए के लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा था, आज के ट्रेड में हमने देखा है कि 51 के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो कम से कम यहां पर 55-56 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन स्तरों पर बाय करके चले, स्टॉप लॉस आपको 48 हाफ पर 48.50 रुपए पर क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 54.50 रुपए का और दूसरा 56 रुपए का है, तो 54 हाफ 56 के टारगेट के लिए टाटा पावर में हमारी खरीदारी क्या है? दिखेगा टाटा का पावर स्टॉक है बेहद मजबूत, और लगातार हमने इसमें खरीदारी करने की राय दी भी है, और यहाँ पर कुणाल जी राकेश जी आज स्पेशल पिक के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन इस पिक का बंसल जी मेरे बर्थडे से क्या कनेक्शन, मतलब वो मैं समझ नहीं पाया, मैं आज आप टाटा पावर दे रहे, मैं बर्थडे मना लूं आज? अनिल जी बर्थडे मनाइए, आप हमको खिलाइए पिलाइए, बट गिफ्ट की अभी आशा मत कीजिए, कोरोना चल रहा है। अनिल जी बर्थडे इसलिए कि अनिल जी आपके बर्थडे को अगर हम टैग कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पिक भी अनिल जी जानदार शानदार है और अंडर ओनरशिप है, इसलिए इसको हाईलाइट करने के लिए आपका मतलब कि साप्ताहिक मासिक माने जो भी माने जन्मदिन मना रहे हैं और व्यूअर्स को गिफ्ट दिया अनिल जी, और यहाँ पर जो टारगेट दिए दूसरे टारगेट भी छोटे पड़ेंगे अनिल जी। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया, तो अच्छी पिक है, बेहतरीन पिक है, यहाँ पर करें आप खरीदारी। ओके आइए अब बढ़ते हैं आगे और सुमित जी से लेते हैं उनका सुपर हिट शेयर। बताइए सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया, स्टॉक का भाव चल रहा है 77.10 77.20, स्टॉक का नाम है हिम्मत सिंगा सीड लिमिटेड, जिसका सिंबल है हिम्मत सीड HIMAT SEED हिम्मत सीड। 6 लाख 6.5 लाख शेयर के आसपास का वॉल्यूम स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है,
स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, मार्च के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, पिछले तीन चार दिन पहले जो हाई लगे थे वो स्टॉक के अंदर ब्रेक हुए हैं, जो वॉल्यूम के हिसाब से ये कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। हिम्मत सिंह पीर के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही बैठा है, 73.50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में जिस तरह का ये मूव है आज 77-78 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो जल्दी ये स्टॉक ऊपर में 85 रुपीज से लेकर 90 रुपीज तक का मूव दिखा सकता है। बाय हिम्मत सिंह पीर है, सीएमपी स्टॉप लॉस 73.50, ऊपर में टारगेट 85 से 90 तक के लेवल जल्दी स्टॉक में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हिम्मत सिंह सीड में खरीदारी करने की राय। आइए अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर राजेश जी से लेते हैं उनकी पसंद का शेयर। राजेश जी बताइए। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक बाय करेंगे वो स्टॉक रहेगा अल्केम लैब। अल्केम लैब में देखें तो अगर पिछले तीन चार महीने में स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है डेली चार्ट पे, और वो चार्ट पे देखें तो वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है लास्ट फ्राइडे सेशन में, और उसके ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके का फॉर्मेशन बना है ये स्टॉक में, हमें लग रहा है टारगेट जो आना चाहिए 3130 से 3150 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। हालांकि पिछले दो तीन मिनटों में अगर देखें तो स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ लोअर साइड में। मैंने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किए थे वो 2980 के आसपास सजेस्ट किए थे, थोड़ा सा नजदीक हो रहा है स्टॉप लॉस, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिवाइज करें, 2950 के आसपास स्टॉप लॉस करें। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ टारगेट वही रखेंगे हम 3130 से 3150 के, तो 3000-3005 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, 2950 के हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे, 3150 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती है एल्केम लैब शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। लेकिन शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर सेठी साहब भी आपको एक पिक देंगे, लेकिन उससे पहले वागले साहब का वंडर और ऐसी पिक है जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, और वागले साहब का सबसे पसंदीदा शेयर, ऐसा शेयर जिससे वागले साहब करते हैं प्यार, समझ तो गए होंगे आप, नहीं समझे तो विगुल के बाद खुद देख लीजिए। वागले साहब करिए अपने प्यार का इजहार। अनिल जी, दो दिन पहले आपने मुझे पूछा था लेकिन मुझे वो फीलिंग आ नहीं रहा था, आज मुझे वो आ रहा है। 203 के पास जैसे ही आईबुल हाउसिंग निकला है मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि ये 215-220 आज के दिन में या मे बी आज और कल में जाना चाहिए। 6% ऊपर है, मैं यहां से लेकर 203-204 तक बाय करूंगा। 199 200 के नीचे जाएगा, 199 का स्टॉप लॉस होगा, और 215 से 218 का टारगेट शायद आज ही आ जाए। ओके, आईबुल हाउसिंग जहां पर वागले साहब को है ये सबसे ज्यादा पसंदीदा काउंटर, और सबसे ज्यादा कन्विक्शन के साथ कॉल जो आता है वागले साहब का वो आईबुल हाउसिंग में आता है। यहां पर खरीदारी करें, यहां से लेकर 203 तक खरीदें, 199 का लगाए स्टॉप लॉस 215-218 के टारगेट के लिए। पिछले कुछ मिनटों में चार्ट हुए हैं बेहद मजबूत और बेहद तेजी के साथ भागने को तैयार भी है। आइए सेठी साहब हमारे साथ तैयार है, और सेठी साहब से ले लें उनकी स्पेशल पिक जो कि शॉर्ट टर्म के लिए। सेठी साहब बताएं। बिल्कुल अनिल जी, ये जो स्टॉक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी रेकमेंड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें कुछ अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है शानदार तेजी जल्दी ही देखने को मिलेगी। कंपनी का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज, करंट भाव है 380 रुपए का, मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा 410 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए का। ये कंपनी ओलो केमिकल्स और सर्फेक्टेंट्स बनाने वाली कंपनी है, गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इसमें जो मेजर ट्रिगर है वो ये है कि ये कंपनी करीबन 24% स्टेक ओन करती है गोदरेज कंज्यूमर में, 49% इन गोदरेज प्रॉपर्टीज, 59% इन गोदरेज एग्रोवेट, और इस सब होल्डिंग की अगर वैल्यू देखेंगे तो अराउंड 33,000 करोड़ की वैल्यू बनती है, जबकि कंपनी की खुद की मार्केट कैप डिस्पाइट की एक अच्छा बिजनेस खुद भी करती है सिर्फ 12,500 करोड़ की मार्केट कैप है। एक बहुत ही डिस्काउंट पे चल रहा है स्टॉक, और एक चीज और नोटिस की गई है कि ये जो गिरावट आई थी बाजार में उस दौरान प्रोमोटर्स ने इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, मार्च से और जून क्वार्टर में भी देखेंगे तो करीबन 2% हिस्सेदारी बढ़ी है, अराउंड 65 लाख शेयर्स प्रोमोटर्स ने नए खरीदे हैं, तो वो उससे भी एक कॉन्फिडेंस बनता है। इस स्टॉक को करंट अकाउंट्स में बिल्कुल खरीदना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में 410, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अगर रखेंगे तो 500 रुपए तक के लेवल्स भी इसमें बिल्कुल आने चाहिए आने वाले 9 से 12 महीने। ओके, तो शॉर्ट टर्म में 410 पर अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लें तो 500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहां पर खरीदारी करके चलिए, ये है आपके लिए सेठी साहब से शॉर्ट टर्म पिक उनकी। पर चलिए कुछ और स्पेसेस पर नजर डालते हैं। आज डिफेंस स्टॉक्स में शानदार तेजी आती हुई दिख रही है,
क्या है बड़ी खबर, किन स्टॉक्स को होगा फायदा, चलिए जानते हैं संदीप ग्रोवर के साथ। संदीप बताइए, आत्मनिर्भर भारत डिफेंस पर बड़ा फोकस, क्या है ये बड़ी खबर? बिल्कुल लादीप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर भी कह रहे थे कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार उन सेक्टर्स को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, उसमें डिफेंस भी एक है, जिसको लेके आप देखिए वीकेंड्स पे कुछ बड़े ऐलान हुए जिसमें 101 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिनको नेगेटिव लिस्ट यानी कि बैन लिस्ट में डाल दिया गया, उनका अब भारत में आयात नहीं होता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट ये अगले चार साल का पूरा मसौदा है जिसमें 2020 से लेकर 2024 इनफैक्ट ये वाला साल भी अगर आप इंक्लूड कर ले कैलेंडर ईयर, तो करीब करीब 4.5 साल या 5 साल के आसपास का एक पूरा मामला है जिसमें पूरी तरह से जो 101 जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनका इंपोर्ट अब भारत में नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से जो फोकस है वो भारत में इंडिजीनियस यानी कि जो भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर फोकस होगा। अगर आप 2024 तक की बात करें तो करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास के ऐसे इक्विपमेंट्स है जो कि इंडियन कंपनी से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है उनके ऊपर उनसे ही यहाँ पे खरीदने की यहाँ पे बात सरकार कर रही है। और इस वित्त वर्ष यानी कि FY21 की अगर आप बात करें तो करीब करीब 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो रक्षा खरीद का बजट है वो शायद इस साल सरकार रखते हुए दिखे। स्वदेशीकरण के ऊपर पूरी तरह से फोकस है ऐसा डिफेंस मिनिस्टर की ओर से बयान निकल के सामने आते हुए दिखे हैं। थल सेना से अगर आप देखें तो करीब 1.3 लाख करोड़, इतना ही वायुसेना और नौसेना से करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो खरीद का पूरा स्ट्रक्चर है वो सरकार बना के चल रही। तो इतने संभावित ऑर्डर है जो कि ये तीनों सेनाओं की ओर से ये जो डिफेंस कंपनियां उनको आता हुआ दिखेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन यही आता है मन में कि इससे फिर बेनिफिट किसको होगा, कौन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। L&T सबसे ज्यादा अगर आप देखें सेना और थल सेना और साथ ही साथ नौसेना के लिए यह सप्लायर है। डिफेंस कारोबार का कुल अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक में करीब 3% के आसपास का इनका हिस्सा है। 4,000 से 6,000 करोड़ के जो डिफेंस ऑर्डर्स हैं वो इनको मिलने की संभावना है भी। और इन अवसरों से जिस तरह से अब ये एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा इंडियन अगर आप देखें उपकरणों का, हो सकता है कि इनका जो टोटल जो मार्केट शेयर है वो बढ़कर 10 से 15% के आसपास होता हुआ दिखे। तो ओवरऑल देखा जाए L&T इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। बाकी कंपनियां अगर आप देखें जो थल सेना को सप्लाई करती है उसमें L&T तो है, ये BHEL, BEML, BL, भारत डायनेमिक्स, भारत फोर्स जैसी कंपनियां भी हैं। और जो वायुसेना को खासतौर पर केटर करती है उसमें HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है। और जो एयरफोर्स यानी कि नौसेना को सप्लाई करती है उसमें L&T का नाम भी है, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड और रिलायंस डिफेंस, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको बड़े ऑर्डर्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भारत अगर आप देखें चाइना और अमेरिका के बाद देखें तो तीसरा सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है और हमारा जितना भी खर्च होता है उसका 60% हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए अब अगर हम जितना इंपोर्ट करते हैं वो भारत में ही बनेगा तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे जो डिफेंस स्पेस की कंपनियां उनके ऊपर देखने को मिलेगी। ये जो पूरी लिस्ट है 101 कंपनी की उसमें से कुछ बड़े इक्विपमेंट अगर मैं आपके सामने उनके नाम रखूं तो उसमें कुछ सोनार्स हैं, आर्टिलरीज हैं जिसमें बंदूकें होती हैं, वेपन सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल हैं और क्रूज मिसाइल हैं खासतौर पर, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स हैं और विभिन्न प्रकार के जो गोला बारूद है वो कहीं ना कहीं शामिल है इस पूरी लिस्ट में। तो उस लिहाज से देखा जाए जितने भी नाम मैंने लिए हैं उसमें आप बाकी और भी कंपनियां छोटी छोटी ऐड कर सकते हैं प्राइवेट स्पेस की जिनके लिए बड़े जो ऑर्डर्स है उसके अवसर आने वाले समय में खुल सकते हैं। बिल्कुल, तो डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस रखिए और सारे के सारे स्टॉक्स आपको बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। आज सुबह फास्ट मनी में भी कुशल और आशीष की तरफ से इन कई सारे इन स्टॉक्स पर कॉल्स आई थी और सबके सबके टारगेट्स आपको आते हुए दिखे हैं। तो डिफेंस स्पेस के लिए बड़ी खबर, यहां पर आपको नजर रखना जरूरी है। पर दो और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, मैस्टेक और मजेस्को दोनों ही अपर सर्किट पर अटके हुए हैं। अच्छी खबर आ रही है स्पेशली मजेस्को के लिए उनकी डील को लेकर, क्या है ये खबर जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बड़ी इक्विपमेंट अगर मैं आपके सामने उनके नाम रखूं उसमें सोनार्स हैं, आर्टिलरीज हैं जिसमें बंदूकें होती हैं। ओके, तो कुशल से हम थोड़ी देर जी, तो चलिए आइए कुशल से हम थोड़ी देर में संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक वक्त है न्यूज पर व्यूज का और आज हमारे साथ कंपनी जो टॉप मैनेजमेंट कार्यक्रम में शामिल है वो है दिग्गज सरकारी कंपनी कॉनकोर और कॉनकोर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वी कल्याण राम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए देखते हैं न्यूज पर व्यूज। कॉनकोर के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा दिन आज, स्टॉक 16% कमजोर है नतीजे आने के बाद। दो वजह, पहला तो नतीजे कमजोर है, दूसरा
रेलवे के साथ जो लीज लैंड लैंड की लीज का जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव के जो संकेत आ रहे हैं उसको देखकर बाजार थोड़ा सा चिंतित है। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी कार्यक्रम में शामिल हो रहे वी कल्याण रामन साहब। सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया उसके लिए। सबसे पहले तो रिजल्ट्स पर एक राय लेना चाहता हूँ, क्या वजह रही है कि इस क्वार्टर में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही है, वीक रही है, उसके पीछे रीजन सर? मेन रीजन यह है कि कोविड का टाइम है तो पूरा इम्पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफी असर पड़ा, इसमें एक्टिविटी पूरा बंद है, पूरा लॉकडाउन चल रहा था। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो आप समझिए पूरा दो महीना पूरा लॉकडाउन में निकल गया, थर्ड मंथ में लॉकडाउन खुला, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फाइनेंशियल फिगर्स में भी देखा तो इंपोर्ट्स पर आधा 50% नीचे था पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करने से, एक्सपोर्ट्स भी वैसी है। थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट कम दिख रहा है बट इंपोर्ट्स में अभी भी नहीं है। इंपोर्ट्स अभी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद ही इंपोर्ट का जो है जो असर आएगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। तो मेन वजह यह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो से। डोमेस्टिक में मोर ऑर लेस हम लोग एसेंशियल गुड्स भी मूव किया था तो इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा डोमेस्टिक मूवमेंट में, बट उसमें भी है। ओवरऑल देखा जाएगा तो कंपेयर टू द टाइम्स जो कोविड टाइम्स लॉकडाउन में स्टिल इन Q1 वी कुड डू अराउंड 80% ऑफ वॉल्यूम ऑलमोस्ट 75-80% कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके अजय सर जी, सर एक दूसरी बात जिस पर मार्केट को थोड़ी चिंता हो रही है वो ये कि अब आपको जो है ना रेंटल फीस जो देनी होती है रेलवेज को वो लैंड की वैल्यू का 6% देना होगा, पहले पर यूनिट आप देते थे, इसमें कितना फर्क पड़ेगा और इसके चलते हुए कॉनकॉर पर कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा वो बताइए सर। ठीक है, एज पर अवर कैलकुलेशन हम लोग तो जिस सर्कुलर जो अभी इनफोर्स है रेलवे सर्कुलर जिसका मुताबिक हम लोग का ऊपर जो लैंड लाइसेंस फी चार्जिंग का बेसिस चेंज किया है पर कंटेनर से 6% में, तो हम लोग का कैलकुलेशन में आ रहा है 450 करोड़ का पेमेंट हो सकता है इस साल में। ये पेमेंट कंपेयर टू जनरली हम लोग 140 करोड़ पेमेंट करते थे पिछले साल में, तो पिछले साल में तो कम है तो एडजस्टमेंट है उसमें बैलेंस शीट में, बट अदरवाइज 140 करोड़ का इसका इंपैक्ट था, अभी ये 450 हो सकता है। ओके तो आप कह रहे हैं कि 300 करोड़ का एडिशनल पेमेंट होगा, और 300 करोड़ का अगर एडिशनल पेमेंट होगा तो सर 300 करोड़ का तो साल भर का प्रॉफिट है आपका, इस क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से तो फिर कौन कौन प्रॉफिट में नहीं रहेगी इस साल के अंत में, क्या नुकसान में आ जाएगी कंपनी? ये जो 60 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग डिक्लेयर किया ये इंक्रीज LLF पेमेंट का प्रोविजन करने के बाद, जिस क्वार्टर इस क्वार्टर का हिस्सा को हम लोग ले लिया 450 के हिसाब से, इस क्वार्टर के हिस्सा 120 करोड़ रुपया LLF का हम लोग ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर दिया इसमें, परफेक्ट होने के बाद जो है 7 करोड़ का प्रॉफिट। बिल्कुल परफेक्ट, आपका क्लेरिफिकेशन एकदम सही है कि इस क्वार्टर में ले लिया और उसके बाद ही आया, तो क्या अब हर क्वार्टर में आपको 450 करोड़ इसी तरह से मार्क करना पड़ेगा, ये लीज रेंटल वगैरह लैंड का है तो हर क्वार्टर इसी तरह से होगा? नहीं, इस क्वार्टर में जो 60 करोड़ प्रॉफिट आया है इसका रीजन सिर्फ LLF ही नहीं है ना, वॉल्यूम में भी डिप है, एमटी मूवमेंट हम लोग फ्री में किया हुआ है कोविड लॉकडाउन टाइम में टू एनकरेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें मार्जिन्स नहीं है, तो देर आर मेनी रीजंस, LLF एक रीजन है उसमें, इसके साथ साथ और भी रीजंस है इसका वजह से प्रॉफिट कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है सर, आप ये पॉइंट एकदम वैलिड है कि वॉल्यूम्स भी कम हुए कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से वहां पर भी हुआ तो वो थोड़े इंप्रूव होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन चूंकि आपको भी बताया और सरकार कौन-कौन का डाइवेस्टमेंट के बारे में सोच रही है, तो अब अगर 6% लैंड वैल्यू का लीज रेंटल के तौर पर देना है
तो कॉनकॉर को आपको लगता है कि वो वैल्यूएशन मिल पाएंगे जो पहले मिलने की उम्मीद थी? अब तो वैल्यूएशन कम होंगे और उस हिसाब से आपको लगता है कि क्या जो लोग खरीदना चाहते हैं कॉनकॉर में स्टेक लेना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आना चाहते हैं, वो कम हो जाएंगे या फिर आएंगे तो कम वैल्यूएशन पे, क्या ये डर रहेगा? इस क्वेश्चन तो मैं तो जवाब नहीं दूंगा इसमें, बिकॉज ये जो आए तो देर आर अदर डिपार्टमेंट्स टू आंसर दीज थिंग्स। हम लोग कंपनी वर्किंग के बारे में सोचा तो हाँ जरूर यह वैल्यूएशन तो कम होगा ही, मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा कम होगा, बिकॉज इस साल में लैंड लाइसेंस फी का जो बढ़ावा का वजह से जो इम्पैक्ट है उसका साथ साथ कोविड का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, कोविड इम्पैक्ट पूरा बिजनेस में है, तो ये कोविड इम्पैक्ट से इफेक्ट काफी आ रहा है, तो इस वजह से हर कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा असर पड़ेगा, बट वी आर इन लॉजिस्टिक सेक्टर दैट एक्चुअली थोड़ा सेविंग रेस है हम लोग के लिए, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी में तो देयर विल बी इफेक्ट। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल कल्याण सर आपसे, वो है कि जब ये लीज रेंटल पर यूनिट से 6% वैल्यू का किया तो आपने कहा नहीं कि क्यों बढ़ा रहे हो भाई, बढ़ाने से कंपनी की बैलेंस शीट पर प्रॉफिट एंड लॉस पर इंपैक्ट आएगा, बढ़ाने के पीछे रैशनल क्या है, ये कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना रेलवे के साथ आपकी, ऐसा तो नहीं कि रेलवे ने आर्बिट्रेरी बढ़ा दिया, बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, उसके पीछे लॉजिक और रीजन क्या है? ऐसा है, बात तो हमेशा होता रहता है, बातचीत के बिना तो कुछ होता नहीं है, बातचीत तो होता है, तो रेलवे का एक पॉलिसी डिसीजन है, तो ये जो 6% चार्ज करना चाहता है तो वो पॉलिसी डिसीजन के मुताबिक वो लोग डिसीजन लिया हुआ है इसमें। ओके ठीक बात है, फेयर इनफ, मैं आपको फेस वैल्यू पर लेता हूं, मानता हूं कि जैसा रेलवे ने कहा है वही है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर और इस पूरे नए रेलवे के साथ अरेंजमेंट पर बातचीत करने के लिए, ताकि एक इनसाइट हमारे व्यूअर्स को मिल पाए। तो कॉनकॉर ने जो एक बदलाव किया है, रेलवे ने जो बदलाव किया कॉनकॉर के साथ, क्या अब वो पर यूनिट लीज रेंटल लेने के बजाय 6% लैंड वैल्यू का लेंगे और उसकी वजह से और कोविड की वजह से थोड़े नतीजे खराब रहे, लेकिन आगे चलते हुए जो एक बड़ी और एक्सक्लूसिव बात निकल कर आई है वो ये कि खुद सीएम ने सामने ये माना है कि इसके चलते वैल्यूएशंस पर असर पड़ेगा, मार्केट कैप पर असर पड़ेगा, और यानी कि अब सरकार को जो डाइवेस्टमेंट करना है उसमें वो वैल्यूएशंस नहीं मिल पाएंगे जो मिलने थे। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने ये बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि जब तक रेलवे वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं होता कि रेलवे को कितना पेमेंट जो अभी कॉनकॉर कर रही है, नए प्लेयर को कितना करना होगा, तब तक कॉनकॉर के लिए बोलियां बिल्कुल सही दाम पर आना बड़ा मुश्किल है। और आप देखिए आज ही स्टॉक 15% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए तो ये है आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी जो आती हुई है इस वक्त कॉनकॉर की तरफ से। आइए मैजिस्को, ये है स्टॉक स्टार परफॉर्मर, जबरदस्त दौड़ लगा रहा है मैजिस्को, मैस्टेक सारे के सारे, क्यों? कुशल बताने को तैयार है, कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट मैजिस्को के बारे में तो हमने आपको 21 जुलाई को भी बताया था जब दूसरी बार जो है इसमें अपर सर्किट लगा था, और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर लगातार आपको अपर सर्किट जो है देखने को मिलेगा, तो उसकी ट्रेंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर अब जो बड़ा खबर का ट्रिगर आ रहा है इसमें वो ये है कि जो पीई फर्म थॉमा ब्रेवा है उसने मैजिस्को यूएसए के को अधिग्रहण करने की जो डील वैल्यू साइन की थी उसको अब 23% बढ़ा दिया है, और अब जिस वैल्यू पे डील अधिग्रहण होगा वो करीब 5467 करोड़ रुपए में ये किया जाएगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं को 20 जुलाई को जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जो डील वैल्यू थी वो 4455 करोड़ रुपए की थी, तो 23% जो है डील वैल्यू बढ़ाई गई है। और अब जो रिवाइज्ड शेयर प्राइस, डील शेयर प्राइस जो है वो $13.1 से बढ़ाकर $16 पर कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो पिछले 30 दिनों की औसत प्राइस थी जब 17 जुलाई को अगर आप देखेंगे उसका तो $7.5 था, अब वो बढ़कर करीब 113% के प्रीमियम पर यानी कि $16 पर जो है डील वैल्यू साइन की गई है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंपैक्ट है आप देखिए मैजिस्को इंडिया के शेयर में जो इसकी पेरेंट कंपनी है जिसका करीब 74% हिस्सेदारी है वहां पर भी डील इनफ्लो बढ़ता जाएगा, और वही रीजन है कि आप देखिए मैजिस्को में लगातार जो है अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। सर्किट का ट्रेंड की मैं बात कर रहा था
था, तो आज तो अपर सर्किट लगा हुआ ही है, पर अगर आप 20 जुलाई को देखें तो वहां पर जब डील अनाउंसमेंट हुई थी तो पहला सर्किट लगा था और 21 जुलाई से 3 अगस्त तक यानी कि 10 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार आपको 5% का अपर सर्किट देखने को मिला था और हमने आपको बताया था कि 650 का प्राइस तो आ ही जाएगा और अब आप देखिए 680 रुपए का प्राइस है और अब जिस आपकी ये डील वैल्यूएशन है हमें लग रहा है कि आगे और 5 से 6 टाइम्स जो है अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ सकता है और डील और इसकी जो शेयर प्राइस है वो करीब 850 रुपए हो सकती है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये रुझान दिख रहा है वो डेफिनेटली इनके लिए आगे के लिए भी स्थिति काफी मजबूत है और पॉजिटिव रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सर्किट का दौर जारी है, मजेस्को के लिए नजर रखिए इस स्टॉक पर। और कुछ दिनों पहले हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ी थी और उन्होंने भी कई सारे ऐसे फंडामेंटल ट्रिगर्स बनाए थे जिसकी वजह से मार्केट एक्शन इस स्टॉक पर बढ़ते हुए जा रहा है। मार्केट्स अच्छा ट्रेड हो रहा है, एक बार आपको बता देते हैं कि आज सुबह आपको मार्केट्स पर क्या राय दी गई थी 9:08 पर। अनिल जी ने कहा भी था कि अच्छे लेवल्स पर खुल रहे हैं, अगर थोड़े डिप पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खरीदारी करिए और देखिए सारे टारगेट्स वहां से आपको आते हुए दिखे। एक बार देख लेते हैं सुबह मार्केट्स पर क्या राय दी गई थी। वो लेवल बैंक निफ्टी पर 22,000 बैंक निफ्टी पार करेगा तो बैंक निफ्टी में आग लगेगी। तीन लेवल जहां पर एंट्री करनी चाहिए 11,250, 11,235 और 11,225। इन तीन लेवल पे आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं और टारगेट आपका 11,275, 300-325 का रहना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है यहां भी खरीदा जा सकता है। 21,925 पहला टारगेट है, 22,000 दूसरा टारगेट है, 22,075 तीसरा टारगेट है, 21,750, 21,650 में और एड कीजिए, 21,825 में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में खरीदारी करने की राय है। 22,075 का जो फाइनल टारगेट था एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वही हाई बनाया है। निफ्टी का 11,325 का जो टारगेट था 11,326 का हाई निफ्टी बना चुका है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज के तीनों टारगेट अब हासिल हो चुके हैं। निफ्टी के सारे टारगेट्स हासिल होते हुए दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी अनिल जी 22,000 के ऊपर गया है। अब बताइए सर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहां तक मार्केट्स का सवाल है और भी हायर लेवल्स देख रहे हैं यहां से। देखिए अब ये थोड़ा कंजेशन जोन है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आनी 11,300-11,350 की रेंज है, अब इसको पार करेंगे हायर लेवल तो आएंगे, लेकिन अब इसके लिए इंतजार आपको सेकंड हाफ का करना है चाहिए, क्योंकि क्या है कि AGR वाला मामला अब आगे देखते हैं क्या कुछ होगा और बैंक निफ्टी भी अपने टारगेट्स देखिए 11,325 और 22,075 दोनों ही टारगेट एग्जैक्टली वहीं पर छुआ है। तो मैं वेट एंड वॉच वाले मूड में हूं, या तो 11,350 के ऊपर पार होकर निफ्टी टिके तो फ्रेश खरीदारी करेंगे, 22,100 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिके तो फ्रेश खरीदारी करेंगे, अदरवाइज थोड़ा नीचे आने दीजिए। ज्यादा अच्छा लेवल बैंक निफ्टी पर एंट्री करने का 21,750 है और निफ्टी पर 11,250-260 के आसपास आज का जो लो है वो अगर मिले तो, अदरवाइज फिलहाल वेट एंड वॉच करिए, कुछ नहीं नया फ्रेश ट्रेड लेने के लिए मुझे लगता है कि क्लोजिंग शो का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल ओपनिंग शो में आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब आपका शुक्रिया, साथ ही हमारे बाकी मेहमान विकास सेठी साहब, राजेश पालिया जी, जय ठक्कर और साथ ही शुभम अग्रवाल साहब, सुमित जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से निवेदन है सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हम एक साथ देश के प्रति सम्मान के साथ कहेंगे जय हिंद।